नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ सिर की जुओं को कैसे भगाना है जैतून के तेल से। जैतून का तेल लगाइए और जुआ भगाइए। चाहे आपके बाल बाहर से कितने ही मकवली या कोमल लगते हो, लेकिन यदि आपके सिर में किसी भी वजह से जुएं पड़ जाए तो यह आपकी सेहत के लिए भी यह अच्छा नहीं होता है और यह बहुत ही हानिकारक। साथ ही यदि आप सभी लोगों के बीच में बैठे हो तो अचानक ही किसी की नज़र आपके सिर पर जुएं हिलती हुई दिखाई देती है तो आपको ही यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आपकी इमेज तो जरूर खराब हो जाएगी। तो लोग आपसे दूर ही खड़े होकर ही बात करेंगे, पीठ पीछे आपको हंसेंगे और सो अलग ही अपने आप को बनाए रखेंगे। तो आइए जानते हैं जुए मारने का बेहतरीन तरीका। जैतून के तेल से वैसे तो कई फायदे होते हैं, उन्हीं में से आपको एक जुए मारने के भी लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। नंबर एक, इस तेल को लगाने से जुए सांस नहीं ले पाती है और मर जाती है, जिसे आप खंदी से आसानी से निकाला जा सकते हो। जिससे आप खंदे से अपने आप निकाल सकते हो और अपने जुए को देख सकते हो। नंबर दो, इस तेल को आप ट्री ट्री ऑयल के साथ भी मिलाकर आप अपने हेयरों में आप लगा सकते हो अच्छे से, और आपको कुछ देर तक लगाकर छोड़ दीजिएगा, और इसके बाद में आप कुनकुने पानी से सिर को धो लीजिए और जुए साफ हो जाएंगे इससे। नंबर तीन, आप चाहे तो पेकिंग सोडे के साथ भी जैतून का तेल मिलाकर आप लगा सकते हो, इससे भी आपके हेयर के जुए पूरे खत्म हो जाएंगे। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। इस प्रयोग को आप सप्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। इससे आपकी जुओं की समस्या भी दूर हो जाएगी और सिर की या जुए भगाना है तो जैतून का तेल सबसे अच्छा होता है। और यदि आपको नॉर्मली भी आप जैतून का तेल लगा सकती हो, इससे भी आपके जुए धीरे धीरे काफी कम हो जाएंगे। और यह आपके जैतून का तेल आपके बालों को भी ग्रोथ देगा और यह आपके नए बाल भी आने शुरू हो जाएंगे। सभी ऑयलों में ये बहुत ही फायदेमंद होता है बालों के लिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट जानकारी के साथ।